हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। नाउ वी टेक सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हेयर एक्स इज वेरिएबल एंड टू इज कॉन्स्टेंट टर्म। Now we find the solution of this linear equation. So x plus 2 is equal to 0. Here we transpose 2 on right hand side, 0 minus 2, and we get x is equal to minus 2. X is equal to minus 2 is the solution of this linear equation, and this solution is unique solution. तो ये हमारा कौन सा solution होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। नाउ वाई प्लस एट इज इक्वल टू जीरो, हेयर वाई इज वेरिएबल एंड एट इज कॉन्स्टेंट टर्म, सो वी गेट वाई इज इक्वल टू माइनस टू, एंड वाई इज इक्वल टू माइनस टू इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन, एंड दिस इज द यूनिक सॉल्यूशन। नाउ वी टेक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हेयर x and y are variables and a, b and c are constant terms। देखो जो हमारे पास linear equation की two variable में ये standard form है, ax plus by plus c is equal to zero। here x and y आर वेरिएबल, a, b, c आर कॉन्स्टेंट टर्म। देखो जो ये लीनियर इक्वेशन है ये हमारे पास टू वेरिएबल में है, x और y इसमें दो वेरिएबल है, और जो a, b, c है ये क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म। नाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। हेयर 3y इज इक्वल टू, हम 2x को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं, 12 माइनस 2x, एंड y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x। देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है, अगर राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आएगा। अब नाउ वी टेक x इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू जीरो, x की जो वैल्यू है ना वो जीरो इस इक्वेशन में रख देंगे, यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन है। तो यहां पर y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू जीरो डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो यहां पर 12 अगर 2 की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, माइनस जीरो डिवाइड बाय 3, 12 में से जीरो माइनस करेंगे 12 आएगा और डिवाइड बाय 3, तो 3 4 12, तो हमारे पास जो y की वैल्यू वो कितनी आएगी, कितनी आई 4। तो हमारे पास जो ये लीनियर इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या आए, 0 और 4, ठीक है। अगर आप यहां पर 0 रखते हो और यहां पर क्या रखते हो 4, तो ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये इस इक्वेशन के क्या हुए,
सॉल्यूशन हुए। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट में, जो एक्स है उसकी वैल्यू कितने लेते हैं, वन ले लेते हैं, यहां पर वन रख देंगे। अब तो यहां पर जब वन रखेंगे तो देखो फिर हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, जब मान लो हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, देखो यहाँ पर 12 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास ये कितना हुआ 12 माइनस 2 डिवाइड बाय 3, और 12 माइनस 2 कितना होगा 10 डिवाइड बाय 3। तो जब हमने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 10 बाय 3। तो हम बहुत सारी वैल्यूज ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, तो हमने ये बताना है कि भी उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। नाउ वी गेट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके अनुसार हम क्या निकाल सकते हैं, अगर मान लो हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में तो उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से दोगुनी है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को हमने टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। देखो हमारे पास हमने ये बोला हुआ है कि भी हमने जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है वो किस में होगी, टू वेरिएबल में होगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक एक्स कंसिडर कर लेंगे। सॉल्यूशन, लेट द कॉस्ट of a notebook is rupees x। हमने एक नोटबुक की कीमत x रुपए कंसीडर कर ली। सो लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कीमत हमने कितनी कंसीडर कर ली, y रुपए। तो अब a to q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमारे पास ये बोला है कि भाई एक नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से कितनी है, दोगुनी है। तो यहां पे लिखें कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो आपने जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट क्या कंसीडर कर रखी है, एक्स रुपीज टू ऐसे ही, और जो पेन की कीमत है वो कितनी है, वाई रुपीज। तो इसको इधर ट्रांसफर पॉज कर लो, इज इक्वल टू जीरो। दिस इज आवर आंसर एंड इट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको मैं दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं एक बार फिर। हमारे पास हमने बोला है कि भी एक नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से दोगुनी है, और हमने इस स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारी नोटबुक है उसकी कीमत हमने एक्स रुपए कंसीडर कर ली, और जो पेन है उसकी कीमत कितनी कंसीडर की, वाई रुपए। अब ये सम में गिवन है एटी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो जो नोटबुक की कीमत है वो पेन की कीमत से दुगुनी है। अगर मान लो हमारे पास पेन की कीमत 2 रुपए है तो नोटबुक की कीमत कितनी होगी, 4 रुपए होगी, उसकी 2 टाइम्स होगी, ठीक है। सो नोटबुक की कीमत हमने कितनी कंसीडर की, एक्स रुपए, और जो ट्वाइस एज इट इज, और जो पेन की कीमत है वो कितनी थी, वाई रुपए। तो अब हमने क्या किया, जो 2 आई है इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया, ये प्लस था, इधर आगे क्या होगा, माइनस। तो दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जो हमारे पास ये
लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इनको हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ए बी सी की जो वैल्यू है वो भी हमने इनमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। ये हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। जो हमारे पास राइट हैंड साइड में ये कौन सा टर्म है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, उसे कंपेयर कर देंगे इसकी। ठीक है, कंपेयर किससे करेंगे हम, कंपेयरिंग द गिवन लीनियर इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखो आप यहां पर देखो एक्स का जो कोफिशियंट है वो कितना है 2, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका कोफिशियंट कितना है a। तो सबसे पहले जो एक्स के कोफिशियंट है उनकी कंपेयर करो। यहां पर जो गिवन इक्वेशन है उसमें एक्स का कोफिशियंट 2 है और जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका कोफिशियंट कितना है a। तो a की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी हमारी 2। अब नेक्स्ट y का कोफिशियंट जो गिवन है वो उसमें 3 है और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें क्या है b, तो b की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास 3। अब देखो जो कॉन्स्टेंट टर्म है यानी कि जिसके साथ x और y नहीं है, ठीक है, तो वो हमारे पास ये टर्म है, इसमें ये रही जिसके साथ है x और y नहीं है, तो c इज इक्वल टू कितना आएगा। अब आपने ये बात जरूर ध्यान रखनी है, यहां पर तुमने है ना 9.35 बार नहीं लिखना, विद सिंबल देखो क्या है यहां पर माइनस, तो माइनस आएगा, और प्लस है तो देखो जैसे यहां पर प्लस है अंडरस्टूड है कि ये जो क्वांटिटी है हमारे पास जो वैल्यू है ये प्लस की 3 है। ठीक है, तो यहां पर ए की वैल्यू ये होगी, बी की ये होगी और सी की ये होगी, तो हमने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। अब देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में स्टेटमेंट है हमारे पास एक्स माइनस वाई बाय फाइव माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। इसको हम रीराइट कर सकते हैं एक्स माइनस 1 बाय 5 वाई माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। देखो अब यहां पर एक्स का कोफिशियंट कुछ भी नहीं है तो हम अंडरस्टूड है कि उसका कोफिशियंट कितना है 1 है। जैसे मान लो ओनली एक्स लिखा है तो अंडरस्टूड है कि इसका कोफिशियंट कितना है 1, और जो एक्स के कोफिशियंट के साथ है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में वो क्या है ए, तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी होगी 1। उसके बाद यहां देखो वाई वाई कोफिशियंट कंपेयर करो, बी बी की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 1/5, और जो सी है उसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस 10। ये आंसर होंगे हमारे। थर्ड पार्ट में हमारे पास माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। देखो हमारे पास राइट हैंड साइड में कौन सा टर्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमने इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है उसको, यानी कि राइट हैंड साइड में हमारे पास वी हैव 0, तो यहां लिखेंगे 2x प्लस 3y ट्रांसपोज करो लेफ्ट हैंड साइड, प्लस है तो माइनस होगा इज इक्वल टू 0, एंड कंपेयर दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सो a इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 2, b इज इक्वल टू कितना आएगा 3, एंड c इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस 6। दिस इज आवर आंसर। फोर्थ पार्ट देखो अब इसका, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 3y। मैंने क्या बोला, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करो, प्लस है माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखो कंपेयर करो, जो x है उसके साथ कोई भी कोफिशियंट नहीं है तो अंडरस्टूड है कि कितना कोफिशियंट है उसका 1,
ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू क्या आएगी -3। अब यहां देखो यहां पर कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, जब कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो सी की वैल्यू क्या आएगी 0। फिफ्थ पार्ट 2x + 5y = 0। सॉरी एक मिनट, 2x = -5y है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे, 5y = 0। नाउ कंपेयर, a = 2 b = 5, कौन सा टर्म नहीं है, c की वैल्यू क्या आएगी 0। सिक्स पार्ट देखो, सिक्स पार्ट में हमारे पास 3x + 2 = 0। 3x प्लस हेयर जो y का वेरिएबल है वो हमारे पास यहां पर नहीं है, तो फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0 × y + 2 = 0। नाउ वी कंपेयर, a = 3, यहां पर b की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0, c की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2। अगर मान लो हमारे पास, वैसे तो हमारी ये लीनियर इक्वेशन है, वैसे तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लेकिन हमने तो कंपेयर किससे करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, सो वी कैन राइट हेयर 0 × y। अगर मान लो y की वेरिएबल मिसिंग है तो उसे 0 × y लिख सकते हैं, अगर x की वेरिएबल मिसिंग है तो उसे 0 × x लिख सकते हैं। तो जो भी वेरिएबल मिसिंग है तो उसमें, जैसे मान लो x की वेरिएबल मिसिंग है तो a की वैल्यू 0 होगी, y की वेरिएबल मिसिंग है तो फिर b की वैल्यू कितनी होगी 0, अगर कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है तो फिर c की वैल्यू क्या होगी 0। सेवंथ पार्ट, y - 2 = 0, हेयर वी कैन राइट, देखो यहां पर हमने है ना सेट जो हमारे पास ये दिया है इसको टू वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन है इससे कंपेयर करनी है, तो यहां पर तो वन वेरिएबल है ओनली, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 0 × x, यानी कि x की वेरिएबल मिसिंग है, और प्लस में क्या लिखेंगे y - 2 = क्या होगा 0, तो x की वेरिएबल मिसिंग है तो a की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 0, y की वैल्यू कितनी, सॉरी b की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1, क्योंकि यहां पर कोई भी कोएफिशिएंट्स नहीं है तो अंडरस्टूड है कि इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, और c की वैल्यू कितनी होगी -2। लास्ट पार्ट 5 = 2x, लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करो, -2x + 5 = 0, -2x + 0 × y + 5 = 0। नाउ कंपेयर, a = -2 b = 0 and c = 5। ठीक है, वैसे तो जो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल है, लेकिन हमने कंपेयर किससे करनी है, टू वेरिएबल से, तो टू वेरिएबल से करेंगे तो इसीलिए y की मिसिंग है तो यहां पर हमारे पास 0 × y लिखेंगे। ठीक है, नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, हमने ये बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है एंड वाई और क्यों। देखो मैंने पहले आपको बताया हुआ है, अगर मान लो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर मान लो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन अगर मान लो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल में तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, वी डिस्कस ऑलरेडी। देखो मान लो एग्जांपल लेते हैं x - 5 = 0, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, तो यहां से हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे x = 5, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन,
एंड दिस सॉल्यूशन इज यूनिक। अगर मान लो हमारे पास, मैंने एक एग्जांपल लिया था 2x plus 3y is equal to 12, तो जो ये लीनियर इक्वेशन है ये टू वेरिएबल में है, तो इसके हमने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे, इसके हमने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे। तो अब देखो, वी हैव y इज इक्वल टू 3x plus 5, नाउ वी पुट x इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है इसमें x की जगह हमने 0 रख दिया, सो y इज इक्वल टू 3 × 0 प्लस 5, 3 × 0 = 0 प्लस 5, एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास 5, तो वन सॉल्यूशन 0 5, एंड वी पुट x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 3 × 1 प्लस 5, y इज इक्वल टू 3 × 1 3 प्लस 5 8, तो एक सॉल्यूशन हमारे पास क्या हुआ 1 8। नाउ वी पुट x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू 3 × -2 प्लस 5। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में जहां भी x है सबसे पहले 0 रख दिया, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, ये वैल्यू निकली y की, फिर उसके बाद x इज इक्वल टू कितना पुट किया -2, तो यहां देखो 3 × x की जगह पे हमने क्या कर दिया -2, तो -6 हो गए ये प्लस 5, तो y की वैल्यू यहां पे हमारे पास कितनी आई -1, तो एंड वन सॉल्यूशन इज -2 -1। तो इनफाइनाइटली यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम ऐसे, ठीक है, तो फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें, थर्ड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर मान लो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है देन वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है इन सभी के हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 2x plus y is equal to 7 है, इसके हमने 4 सॉल्यूशन निकले हैं निकालने हैं, तो हम क्या करते हैं यहां से, या तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करो यहां से, या फिर y की वैल्यू निकाल लो। यहां पर हम क्या करेंगे, y is equal to, जो 2x है इसको राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे -2x। अब क्या करो, वैल्यूज पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू 0, ये आपकी मर्जी है कि भाई आप x की वैल्यू क्या पुट करते हो, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, या -1 -2 -3 -5, कुछ भी पुट कर लो, वो हमारे पास इसके सॉल्यूशन आएंगे। जब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो फिर y इज इक्वल टू 7 − 2 × 0। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में जहां भी x है वहां पर हमने 0 पुट कर दिया, y एज इट इज इक्वल टू 7 − 2 × 0, तो यहां से हमारे पास देखो क्या निकलेगा, y इज इक्वल टू 7 − 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 7 में से हम 0 माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास 7 आएगा, तो एक सॉल्यूशन हमारा क्या निकल गया 0, 7। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 1, अब क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू 7 − 2 × 1, तो यहां पर 7 × 2 7 − 2 × 1 2, तो यहां पर कितना आया 5, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन कितना आया 1 और 5। उसके बाद देखो आगे, पुट x इज इक्वल टू -1 रखते हैं, y इज इक्वल टू 7 − 2 × -1, तो यहां पर 7 + 2 होगा और ये हमारा कितना आएगा 9, एक सॉल्यूशन हमारा ये आया -1 और 9।
उसके बाद पुट x इज इक्वल टू -10 रख लेते हैं, एज यू विश यू कैन टेक एनी वैल्यू, y इज इक्वल टू 7 - 2 इंटू -10, तो ये होगा हमारा 7 + 20 एंड वी गेट 27, तो ये वैल्यू फोर्थ वैल्यू है हमारी -10, 27, दैट इज आवर फोर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ऐसे हमने ये चार सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उसके बाद हम जो सेकंड पार्ट है इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है हमारे पास, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एक्स की वैल्यू पुट कर लो या वाई की वैल्यू पुट कर लो। सबसे पहले हम पुट एक्स इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे जहां भी एक्स है वहां पे 0 रख देंगे, पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। उसके बाद पाई की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा, 0 में y ऐड करेंगे y आएगा, y इज इक्वल टू कितना है हमारा 9। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो आया हमारा 0 9। उसके बाद नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू -1, कुछ भी रख सकते हो, x की कोई वैल्यू रख लो, y की कोई वैल्यू रख लो। अगर x की वैल्यू रखोगे तो y की फाइंड आउट होगी, अगर y की वैल्यू रखोगे तो x की फाइंड आउट होगी। जहां भी x है वहां पे हमने क्या रखना है, अब -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। जब पाई की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -π आएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हम यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई, पाई माइनस पाई को उधर ट्रांसपोज करते हैं, तो सेकंड हमारे पास जो आंसर है वो आएगा -1, 9 प्लस पाई। उसके बाद चलो अब y की वैल्यू रख लेते हैं, y इज इक्वल टू 0 रख दिया हमने, क्या कर दिया y इज इक्वल टू 0, तो यहां पर पाई x y की जगह पे 0 रख दिया इज इक्वल टू 9। पाई x में 0 ऐड करेंगे तो पाई x ही आएगा और इज इक्वल टू 9, और जो पाई है वो x के मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करिए तो वो डिवाइड में होगा, तो आंसर आएगा 9 / π। तो दूसरा जो थर्ड है वो आंसर है हमारा, सबसे पहले x लिखते हैं 9 / π, 0। अब y की वैल्यू कोई और रख लो, पुट कुछ भी रख लेते हैं, मान लो y इज इक्वल टू -100 रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पर पाई x माइनस वाई की जगह पे 100 इज इक्वल टू 9। इस 100 को उधर लेके जाओ, पाई x प्लस होगा 109 होगा ये, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 109 डिवाइड बाय पाई, तो फोर्थ 109 पाई, और यहाँ पर हमने -100 रखा, ये फोर सॉल्यूशन इसके आ गए। थर्ड पार्ट x इज इक्वल टू 4y, पुट x इज इक्वल टू -2, यू कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x एंड y, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने x की जगह पे -2 रख दिया, -2 इज इक्वल टू 4y, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगी डिवाइड में, -2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू y, ये कैंसर हो गया, ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू हमारी निकली -1 / 2। तो हमारे पास जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो -2 एंड -1 / 2 होगा। उसके बाद पुट x इज इक्वल टू 0, यहां पर 0 रख लेंगे x की जगह, 4y
ये मल्टीप्लाई में उतर जाके क्या होगा डिवाइड में, y इज इक्वल टू क्या आएगा 0/4। अगर हम 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा हमारा 0 0। उसके बाद पुट y की वैल्यू रख लेते हैं, चलो -1, तो x ऐसे ही 4y की जगह -1, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी निकली -4, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन होगा -1 -4। अब y की वैल्यू और रख लो, y इज इक्वल टू मान लो -9 रख लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 × -9, सो वी गेट x इज इक्वल टू -36 एंड 4 सॉल्यूशन इज -36। तो यहां पर देखो एक मिनट, हमने y की वैल्यू -1 रखी है ना, y की वैल्यू -1 रखे तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू निकली है, x इज इक्वल टू -4, तो यहां पे वैल्यू आएगी हमारी -4 और y की वैल्यू कितनी थी -1। अब यहां पर x की वैल्यू -36 आई और y की वैल्यू -9 थी। ये पॉइंट दोबारा फिर देख लेते हैं, y इज इक्वल टू -1 रखा हमने, तो x एज इट इज इक्वल टू y की जगह -1 रखेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4। यहां पर गलती से y इज इक्वल टू लिखा गया था, x इज इक्वल टू -4, ये आंसर आएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमारे पास जो ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हमने ये बताना है कि जो ये इक्वेशन गिवन है ये इनके सॉल्यूशन है या नहीं, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड पार्ट करते हैं, गिवन इक्वेशन, सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो दिया हुआ है 0,2। देखो ये हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जो ये हमने कोऑर्डिनेट लिखे हैं, जो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये हमारा एक्स का है यानी कि अवशीषा है, और जो ये सेकंड कोऑर्डिनेट है ये हमारा कोऑर्डिनेट है वाई का, वाई इज इक्वल टू 2। नाउ दिस कोऑर्डिनेट यानी कि दिस वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पुट इन द गिवन इक्वेशन, एक्स की जगह क्या रखेंगे 0, वाई की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये आएगा 0 - 4 - 4। तो हमारे पास जो देखो हमने जो ये वैल्यूज रखी है इस इक्वेशन में, हमारे पास -4 आया जबकि हमारे पास कितना आना चाहिए 4, जो 0 और 2 ये दो कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन तब होंगे जब ये वैल्यू रखने पर हमारे पास कितना आएगा 4, तो फिर तो इसके सॉल्यूशन होंगे, अगर 4 नहीं आ कुछ और वैल्यू आती है तो फिर वो उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। सो 0,2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास देखो क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है 2,0, तो इसमें हमने क्या करना है x की जगह कितना रखना है 2, y की जगह कितना रखना है 0, ठीक है। यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यहां पे हमारे पास कितना है x की जगह 2 रख दिया, -2 × कितना हो गया 0, और ये आएगा 2 - 0, और ये हमारे पास कितना आएगा 2, तो हमारे पास राइट हैंड साइड में कितना है 4, तो सो 2,0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखो 4,0 एक्स की जगह कितना रखना है 4, -2 × y की जगह 0, 4 - 0 तो कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है। तो अब लिखेंगे सो 4,0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन
एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर। ठीक है, अब नेक्स्ट में फोर्थ पार्ट में हमने क्या रखना है, अंडर रूट टू कोमा फोर अंडर रूट टू। तो यहां पे क्या करेंगे, जहां भी हमारे पास एक्स है वहां पे क्या रखेंगे अंडर रूट टू, और जहां पर वाई है वहां पे क्या रखेंगे फोर अंडर रूट टू। यहां पर एक्स की जगह अंडर रूट टू माइनस टू कोमा फोर अंडर रूट टू। ठीक है, तो यहां पर अंडर रूट टू ये माइनस टू इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एट अंडर रूट टू, और इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा माइनस के सेवन अंडर रूट टू। ठीक है, तो ये फोर के इक्वल नहीं आया तो क्या लिखेंगे, सो अंडर रूट टू फोर अंडर रूट टू इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट वन कोमा वन, एक्स की जगह हमने कितना रखना है वन, वाई की जगह भी कितना रखना है वन, तो वन माइनस टू इंटू वन, तो ये वन माइनस टू आएगा और वन माइनस टू कितना होगा माइनस वन, सो वन कोमा वन इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जबकि एक्स की वैल्यू टू है वाई की वैल्यू वन है, इज ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन के क्या है सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब है कि भी जो भी हम ये वैल्यू रखेंगे ना वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या होगा राइट हैंड साइड। तो देखो फिर क्या करेंगे हम, द गिवन इक्वेशन इज टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू के, एक्स की जगह हमने कितना रखना है टू प्लस थ्री इंटू वाई की जगह कितना रखना है वन इज इक्वल टू के। तो टू टू जा फोर, थ्री वन जा थ्री इज इक्वल टू के, तो सेवन इज इक्वल टू के और के इज इक्वल टू सेवन, ये आंसर आ गया, ये आंसर निकालना था।